नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हिमभूमि जॉब्स में। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश नई भर्तियों के लिए हो जाइए आप सब तैयार, क्योंकि JVT, TGT और PGT की बहुत जल्दी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण अपडेट है उससे आपको अवगत करवाएंगे, और JIT 817 को लेकर काफ़ी लंबे से सबकी मांग चल रही है कि इसके बारे में रिजल्ट की जो अपडेट है वो दें। तो आपके लिए इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट लेके आए हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना चैनल हिमभूमि जॉब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। JIT के लेकर JIT के जितने भी छात्र हैं वो सवाल कर रहे थे कि उनका रिजल्ट जो है वो रुकेगा क्या, इस तरह की कोई यहाँ पर जो है 817 के जिन अभ्यर्थियों का कमीशन की ओर से टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, तो उन छात्रों के मन में एक डर था, भय था कि क्या उनका जो रिजल्ट है वो रुक जाएगा, क्योंकि अभी 556 पोस्ट कोड पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है। तो फिलहाल जो है वो इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, और उस सस्पेंस को लेकर जो है वो अब कमीशन और कार्मिक विभाग और सरकार जो है वो यहाँ पर लीगली यहाँ पर जो है ओपिनियन ली जाएगी कि क्या जो 817 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का जो है वो यहाँ पर इंतजार किया जाए। तो इसलिए जो IT 817 का जो है वो उसमें 2-4 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उस पर क्या जो है वो आगे रिजल्ट घोषित होता है या नहीं होता है। और इसी के साथ दिया, और JBT TGT लेक्चर्स भर्तियों को लेकर जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है, और कुछ ही दिन बाद जो है वो इसकी सूची जो है वो जारी हो जाएगी, और JBT की जो नई भर्तियां हैं वो भी यहां पर शुरू हो जाएगी। और छात्र पीट कर टीचर ने मांगी ट्रांसफर, तो इसको लेकर जो है बड़ा रोचक मामला हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में सामने आया है। अर्की के